एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सोच रहे होंगे थंबनेल देख के अब ये कुकिंग भी करने वाली है। बाय द वे, आई एम सो एक्साइटेड फॉर गणेश चतुर्थी। लाइक मेरी बर्थडे आ रही है, मुझे उससे ज़्यादा गणेश चतुर्थी की मुझे तैयारी कैसे करनी है, कैसी डेकोर करनी है, क्या करनी है, ये वो तो मैं हर साल करती हूँ। लास्ट ईयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो चुकी थी एंड हमें वन ईयर तो पूजा वगैरह नहीं हो पाया घर पर। तो बट ये साल फाइनली मैं गणेश चतुर्थी करने वाली हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। तो ये एक छोटी मोटी रेसिपी, बहुत लोग की मन में होती है ना कि कम टाइम पे और प्रोसेस से कैसी जल्दी जल्दी मिठाइयाँ बनाएं, तो मैं यहाँ पर मोदक बनाई हूँ। ऐसे तो राइस फ्लोर से बनाती है बट मैंने ट्राई किया सूजी से एंड सूजी के अंदर मैं स्टफिंग करके, आप डायरेक्ट सूजी से भी मोदक की शेप बना सकते हो। ये मैंने थोड़ी अलग से बनाई हूँ, तो सब ये कह सकते हैं कि अरे ये पहले ढाल दिया, अरे ये बाद में ढाल दिया, बट ट्रस्ट मी गाइज, आफ्टर ऑल रिजल्ट मैटर करते हैं, टेस्ट मैटर करती है। तो या तो लेट्स डू दिस एंड लेट्स शेयर विथ यू ऑल माई रेसिपी हाउ आई मेक मोदक। सबसे पहले मैं सूजी को थोड़ी सी रोस्ट करूंगी एंड देन आपको उसको निकाल के रख देनी एंड घी डालकर फिर से डालनी होती है। बट मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट ले लिया, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ही घी डाल दिया एंड वैसे भी आप कर सकते हो। एंड देन इसको अच्छे से मिक्स करनी है, इसके साथ चीनी ऐड करके एंड इस पर दूध डाल दूंगी। एंड दूध अगर नहीं भी हुआ ना तो अगर आप पानी डाल सकते हो ना तो वो भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि दूध डालना ज़्यादा अच्छी है। एंड तब तक मिक्स करूंगी जब तक इसके टेक्स्चर कुछ ऐसे ना हो जाए। एंड देन हमें इसको निकाल कर रख देनी है, थोड़ी घी लगा कर ना एक डो प्रिपेयर करनी है। एंड देन हम फिर सेम कढ़ाई में थोड़ी सी घी डालेंगे एंड उस पर नारियल डाल देंगे एंड नारियल को थोड़ी सी मिक्स करके उसमें गुड़ डालेंगे जो हम जगेरी कहते हैं, तो वो डालेंगे एंड देन इसको मिक्स करेंगे। एंड मैंने थोड़ी सी पानी ऐड की एंड इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये ऐसे स्टिकी वाली ना हो जाए। एंड या हियर इट इज़, बस सब कुछ रेडी है। तो ये मोल्ड मैंने लिया अमेजोन से, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। अगर स्टिकी हुआ तो थोड़ा सी घी लगा दो एंड देन इस पर बहुत ईजी है, बस हमें एक ऐसे बॉल जैसी बना के ढालनी है अंदर एंड जैसे आलू पराठा बनाते हैं ना, मोमो बनाते हैं वैसे एकदम। इसके अंदर में स्टफिंग कर देनी है और उससे ऊपर से बंद कर देनी है एंड जितनी भी एक्स्ट्रा बचेगी उसको आप अलग से निकाल लीजिए। बस रेडी है हमारा मोदक, बहुत ईजी है, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। और एक ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगी मोदक बनाने की, अगर आपको ऐसे स्टफिंग नहीं करनी है ना बट ऐसे ही आपको बनानी है तो आप क्या कर सकते हो कि आप दोनों को एक साथ मिक्स कर दो एंड फिर उसको खोल के उसके अंदर डालकर एंड देन फिर बंद कर दो मोल्ड एंड जितनी एक्स्ट्रा बचेगी उसे निकाल लेना एंड यहाँ पे ये रेडी है। तो हुआ ना दो टाइप की, घर पर बना के देखिए, बस 5 मिनट में ये रेडी हो गया। बहुत ही ईजी रेसिपी है एंड ट्राई करके ज़रूर बताना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था। एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।